हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास। दिस इज़ चैप्टर 2 ऑफ अवर इंग्लिश बुक एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स गो टू द एक्सरसाइज पेज। So first of all, you need to write these word meanings and also those word meanings which I told you during the explanation of the chapter, right? After this, multiple choice question. So इन्हें आपको copy में नहीं करना है, ये आपको book में fill करना है केवल, ठीक है? चलिए देखते हैं first क्या है। Who of the following gave Bunty box of tin soldiers on his birthday? तो इसमें राइट आंसर क्या है, आप सभी को पता है, बंटीज अंकल, बंटी के अंकल ने उसे सोल्जर्स का बॉक्स दिया था, ठीक है। सेकेंड है, हाउ मैनी सोल्जर्स वर देयर इन द बॉक्स? द करेक्ट आंसर इज 25। थर्ड है, हुम डिड द वन लेग टिन सोल्जर्स लाइक? द आंसर इज डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट है नंबर 4, हु बॉट द ह्यूज फिश इन द मार्केट? किसने खरीदा था बड़ी मछली? बंटी की माँ ने, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5, व्हाट शेप डिड द लंप ऑफ टिन फॉर्म इन द फायर? जो जब वो टिन सोल्जर जल गया तो उसका शेप जो था वो कैसा था जब वो मेल्ट हो गया उसके बाद? तो आंसर है इसका 4th, ठीक है, हार्ट शेप में बन गया था। इसके बाद हम बात करते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बंटीज अंकल? व्हाट डिड ही ऑफर बंटी ऑन हिज बर्थडे? बंटी के अंकल कौन थे और उन्होंने बंटी को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया था, ठीक है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बंटीज अंकल वाज अ रिटायर्ड मेजर इन द आर्मी, ही ऑफर्ड बंटी बॉक्स ऑफ टिन सोल्जर्स, ठीक है। बंटी के अंकल एक रिटायर्ड मेजर थे आर्मी के और उन्होंने बंटी को एक सोल्जर से भरा हुआ बॉक्स जो है गिफ्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, डिस्क्राइब द टिन सोल्जर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें जो है जो टिन सोल्जर्स दिए गए थे उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एंड द आंसर इज, देयर वर 25 टिन सोल्जर्स इन द बॉक्स, दे वर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन ब्लू एंड रेड यूनिफॉर्म्स एंड शाइनिंग ब्लैक बूट्स। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, इसे आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द 25th सोल्जर हैव ओनली वन लेग? क्या रीज़न था कि जो 25वां नंबर का सिपाही था सोल्जर, उसकी केवल एक ही टांग थी? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है, ही हैड ओनली वन लेग बिकॉज व्हेन ही वाज मेड देयर वाज नॉट इनफ लेड टू फिनिश हिम ऑफ। इसका रीज़न ये था कि जब उसे बनाया जा रहा था, जब वो बनाया गया तो जो लेड था, मतलब जो मटेरियल था जिससे वो बना हुआ था, वो पर्याप्त नहीं था, इस कारण उसकी एक टांग जो है वो नहीं बन पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द टिन सोल्जर लैंड ऑन द पेविंग स्टोन? एक्चुअली ये क्वेश्चन तो बुक में नहीं है, इसका आंसर बुक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पेविंग स्टोन पर नहीं गिरता है जाकर, वाटर पे जाके ड्रेनेज पे जाता है, पेपर बोर्ड जो रहती वहाँ गिरता है। तो इसका आंसर हम बंटी ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बंटी ने ही उसे विंडो से बाहर फेंका था। तो देखते हैं इसका आंसर। एंड आंसर इज, बंटी थ्रो द लिटिल टिन सोल्जर आउट ऑफ विंडो एंड ही लैंडेड ऑन द पेविंग स्टोन्स, राइट। इतना हम लिख देते हैं, ये करेक्ट रहेगा, राइट। हालांकि बुक में नहीं दिया कि वो पेविंग स्टोन पर जाकर गिरता है, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन है तो हम इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
हु थ्रेव द लिटिल टिन सोल्जर इन वाटर, किसने उस टिन सोल्जर को वाटर में फेंक दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा बंटी। ठीक है, तो आप बस यहाँ पर बंटी लिख दीजिए और पूरा कॉपी कर दीजिए। ठीक है, बंटी थ्रेव द लिटिल टिन सोल्जर इन वाटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द टिन सोल्जर डिज़ायर द डांसिंग गर्ल। जो टिन सोल्जर था वो डांसिंग गर्ल को किस तरह डिज़ायर करता था, मतलब उसको देखकर क्या इच्छाएं होती थी उसको। ठीक है, एंड आंसर इज फॉर द टिन सोल्जर द डांसिंग गर्ल वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। वो जो टिन सोल्जर था उसके लिए डांसिंग गर्ल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, और वो जो है उससे शादी करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड द लिटिल टिन सोल्जर डाई। जो टिन सोल्जर था वो कैसे मरा, इसका आंसर है वन डे बंटीज फ्रेंड थ्रेव हिम इन द फायर एंड ही डाइड। एक दिन बंटी के फ्रेंड ने उसे आग में फेंक दिया और वो उस आग में जो है जलकर फाइनली मर गया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर केवल 7 क्वेश्चन हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन से हमें इसमें फिल करने हैं दिए हुए ब्लैंक्स को। तो सबसे पहले पिंक एलिफेंट एंड जैक केप ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटेंशन फर्स्ट का हो जाएगा आपका अटेंशन, राइट। सेकंड, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वर 24। ठीक है, 24 मैं नंबर्स में लिख देता हूँ, आप ये ऑप्शन यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, थर्ड है डांसिंग गर्ल बिलोंग टू द कैस्टल। ठीक है, फोर्थ क्या है, जो आपका लास्ट ऑप्शन बचा वही होगा, देयर वॉज टाइनी मेटल टचिंग बिसाइड लंप ऑफ टिन। ये आपको क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं, ये आपको बुक में फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है इसमें द वन लेग सोल्जर वॉज वेरी स्टिफ एंड प्राउड, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देयर वॉज अ जेली पोंग जेब्रा इन द बॉक्स, ये आपको फॉल्स हो जाएगा। ऑल द टॉयज रिगार्डेड द वंडरफुल कैस्टल विद इनवी, ये आपका ट्रू हो जाएगा। द ड्रेन वेयर द पेपर बोट फेल वॉज द होम ऑफ फियर्स स्नेक्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द लिटिल टिन सोल्जर हैड एस्केप्ड डेथ सो मैनी टाइम्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर डी, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में देखते हैं, अ बॉक्स ऑफ टिन सोल्जर्स, तो ये आपका हो जाएगा बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट का ई, ब्लू सिल्क रिबन, ये आपका डांसिंग गर्ल के पास था। रेन, तो होम ऑफ फियर्स रैट, अ लंप ऑफ टिन शेप लाइक हार्ट, ह्यूज फिश बॉट बाय बंटीज मदर, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना है और बेटर करना है। यदि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप फिर इस तरह से लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए सिंपल। अ बॉक्स ऑफ टिन सोल्जर, तो ये क्या हो जाएगा, बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर, फिर ब्लू सिल्क रिबन, ये डांसिंग गर्ल हो जाएगा। ठीक है, रेन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अ लंप ऑफ टिन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड ह्यूज फिश, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते हैं क्या होता है, जो क्वालिटी बताए, एक्शन बताए या फिर स्टेट बताए। ठीक है, जैसे कि काइंडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, थेफ्ट, लाफ्टर, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, स्लेवरी, सिकनेस एट्सेट्रा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दिए हुए वर्ड्स के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट क्या है, हार्ड, तो इसमें हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पुअर है तो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा। ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे,
ठीक है, ये वाला हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, थर्ड लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्टर हो जाएगा, LAUGHTER, ठीक है, लाफ्टर हो जाएगा। फोर्थ स्लेव का क्या हो जाएगा, स्लेवरी हो जाएगा, ये है फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, गॉड का क्या हो जाए, गुड का क्या हो जाएगा, गुडनेस। ठीक है, काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस। ठीक है, सिक का क्या हो जाएगा, सिकनेस। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है थीफ का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा थेफ्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक, वीडियो पॉज करके आप इन्हें नोट कर लीजिए अपने बुक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, ऑनेस्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। सेकंड में क्या, इज़ बेटर देन क्योर, तो यहाँ पर प्रिवेंशन आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज स्पीक द, यहाँ पर ट्रूथ कर लीजिए। ठीक है, द टीचर लुक्ड एट द स्टूडेंट विद विथ, यहाँ पर आप कर लीजिए विथ काइंडनेस, चलिए काइंडनेस कर लेते हैं। ठीक है, फिर है विल हैव फॉल, विल हैव अ फॉल, तो इस पर हम कर लेते हैं डिसऑनेस्टी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा उसको नुकसान होगा, आगे चल के वो जो है गिरेगा, ऊंचाई जहाँ पर होगा उस जगह से डाउन होगा, तो डिसऑनेस्टी यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर चैप्टर, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है इसमें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप जो जहाँ बताया गया है वहाँ पर नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।